मेरठ में सेक्स टेप लीक कांड में सीनियर वकील रमेश चंद गुप्ता को सुबह पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने आरोपी वकील को सुबह 6:45 पर सकौती रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर के पास से अरेस्ट किया है। माना जा रहा है कि रमेश चंद्र गुप्ता दोहला में कहीं छिपा बैठा अयासी कर रहा था। हालांकि वकील की लास्ट लोकेशन हरिद्वार में मिली थी। थोड़ी देर बाद पुलिस ने आरोपी वकील को कोर्ट में पेशी के लिए ले गई। कोर्ट में वकील की पेशी को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है, फोर्स बढ़ाई गई है। बता दें कि नाबालिग ऑफिस गर्ल से यौन शोषण मामले में फंसे सीनियर एडवोकेट रमेश चंद्र गुप्ता को बार से निष्कासित कर दिया गया है। बार एसोसिएशन ने उनसे उपाध्यक्ष पद छीन लिया है। कोर्ट में नाराज वकील कहीं रमेश चंद गुप्ता पर हमला न कर दे, इसलिए खास सुरक्षा घेरे में रमेश चंद गुप्ता को पेशी पर लाया गया। काफी दिन से पुलिस आरोपी वकील की तलाश में थी। मेरठ सदर में वकील के घर से लेकर अन्य जगहों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन एडवोकेट फरार चल रहा था। हाल ही में रमेश चंद गुप्ता की अश्लील वीडियो वायरल हुई थी। इसके बाद अधिवक्ता की जूनियर ने कई राज खोले थे। पीड़िता ने स्पेशल CGM कोर्ट में अपने बयान में अधिवक्ता और दो भाजपा नेताओं का नाम लिया था। इसके बाद वकील पर धाराएं बढ़ाई गई थी। पुलिस ने इस घटना की जांच दोराला थाने के SI अबरार अहमद से लेकर उनके स्थान पर अपराध निरीक्षक सत्येंद्र सिंह को सौंप दी है। मामले के जांच अधिकारी भी बदल दिए गए हैं। बता दें कि आरोपी रमेश चंद गुप्ता सदर धर्मपुरी मोहल्ला मेरठ का रहने वाला है। मामले में दो भाजपा नेताओं का नाम भी सामने आ रहे हैं। पीड़िता ने अपने बयानों में भाजपा नेता अरविंद गुप्ता मारवाड़ी और संजीव सिक्का का भी नाम लिया था। पुलिस इन दोनों नेताओं के खिलाफ साक्ष्य जुटा रही है। वहीं वकील के घर से जब्त किए गए लैपटॉप CPU की जांच साइबर सेल द्वारा कराई जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी वकील रमेश चंद गुप्ता का एक किशोरी और एक युवती के साथ अश्लील वीडियो सामने आया था, जिसके बाद से यह लड़की 27 मई से लापता हो गई थी। लड़की के भाई ने आरोपी वकील के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया था। अधिवक्ता रमेश चंद और उनके भांजे भाजपा महानगर के महामंत्री अरविंद मारवाड़ी पर भी आरोप लगाया था कि उन्होंने लड़की के साथ यौन शोषण किया है। भाजपा और नेता और सहकारी संघ के चेयरमैन संजीव सिक्का पर भी यौन शोषण का भी आरोप है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो भाजपा नेताओं का नाम सामने आ रहा है, क्या इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होती है। तब तक के लिए देखते रहिए आप 4PM न्यूज़ नेटवर्क।